सामान तो मैं एक चीज लेने गई थी, लेकिन तीन चार चीजें और मैजिक देखते अपनी मैगी मसाला का, टप्पा मैगी मसाला का। मैगी ऐसी चीज है कि लाइक मेरी बहुत सारी मेमोरीज ऐसे। मैगी रे तुम हम बेचारों का सहारा हो, मैगी रे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में दोस्तों हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट भी होने वाला है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि कुछ अलग करूं, एक्सप्लोर कर रही थी, आप लोगों को बड़े बड़े फूड दिखा रही थी, प्लेसेस दिखा रही थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन आज थोड़ा सा अलग करते हैं। सो आज हम ट्राई करने वाले हैं कप्पा मैगी। वैसे बहुत तरीके के नूडल्स आते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज फर्स्ट जो अटेम्प्ट करते हैं वो कप्पा मैगी का करते हैं। मैंने आज तक नहीं खाया है मैगी, बहुत तरीके तरीके की खा ली, लेकिन कप्पा जो मैगी होती वो नहीं ट्राई किया है। सो आज हम वो ट्राई करेंगे। और ऐसे ही अगर आपको कोई और भी प्रोडक्ट्स के रिव्यू चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फूड से है ना, फूड के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके रिव्यू चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही मैं आगे आगे, मतलब जैसे जैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं और भी सारे फूड के रिव्यू दूंगी। सो चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जी, इसे खचक से दबा दीजिएगा और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ओके दोस्तों, सो आई गॉट दिस कप्पा मैगी, मतलब ये मैं कप्पा मैगी लाई हूँ पैक्ड वाला, जो कि रेडी इन आई थिंक 4 मिनट्स इस पर दिया है। एक और भी ब्रांड था, वो था कोई नूडल्स का ही था, मतलब कप्पा नूडल्स। सो वो कभी और ट्राई करेंगे, आज हम मैगी वाला ट्राई करेंगे। और इसी के साथ मैं और भी सामान ले आई हूँ, एक चीज़ लेने जाते हैं तो तीन चार सामान तो आ ही जाते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस कप्पा मैगी। इसको देखा, इस पर कैसे इसको प्रिपेयर करना है वो स्टेप्स देखे मैंने, और बहुत ही डिफिकल्ट है यार, मतलब इतनी डिफिकल्ट चीज़ तो मैंने आज तक नहीं करी। पानी उबालना तो पानी उबालना है और इसमें डाला, 4 मिनट के अंदर आपकी जो मैगी है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसमें 2 मिनट नहीं दिया है क्योंकि 2 मिनट के अंदर तो हो ही नहीं सकता है मैगी का काम कभी भी। सो 4 मिनट के अंदर हमारी जो कप्पा मैगी है वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या माल है। कुछ तो है। सो दोस्तों, ये है हमारी कप्पा मैगी। पैकिंग तो बहुत अच्छी है मैगी वालों की। अब इसको ओपन करने के लिए आपको एक नाइफ चाहिए, या तो आप यहाँ पर सीजर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका पैकेट है जो हम पहले वो निकाल देते हैं, वो तो फटका। बड़ी थोड़ी मेहनत इसकी पैकिंग में ही है निकालते वक्त। तो ये पैकेट निकल जाएगा जब आपका, तब आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हो। उसका प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर लिखा गया है कि आपको यहाँ पे पानी डालना है जितना इसके अंदर, मतलब एक लाइन बनी होगी, लेट्स सी लाइन है कि नहीं। और उसके बाद उसको 4 मिनट के लिए छोड़ देना और आपका जो मसाला मैगी वो तैयार हो जाएगा। सो ओपन करने का यहाँ से आइए। सो लेट्स ओपन। ओए तो इसमें जो मसाला है, पहले तो हम चम्मच निकाल देते हैं, और ये चम्मच देख सकते हैं, स्पून देख सकते हैं। ओ माई गॉड, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा इनका। आज पहली बार मैंने ये फोल्डेड वाले स्पून देखा है, कहीं टूट ना जाए मजे मजे में। सो ये है स्पून इसकी, ये साइड में रखते हैं। एंड इसका पहले आपको मैगी दिखाते हैं, तो देख सकते हो मैगी कैसी है, पूरी येलो येलो है मैगी। इसमें मसाला आई थिंक मिला हुआ है ऑलरेडी, सो कुछ और नहीं है इसमें, सब पूरा मैगी का मसाला मिला हुआ है। और इसमें कौन सा हम लाए थे, ये मसाला कप्पा नूडल्स है, और इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि कितने मिनट में ये तैयार होगा, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर मैंने बोला था कि एक लाइन दे रखी होगी, तो आप लोगों को पता नहीं दिख रही कि नहीं, तो यहाँ पर वो लाइन दे रखी है, लगभग इतना इतना पानी इसमें मुझे डालना है। सो अब पानी बॉयल करते हैं, पहले पानी को बॉयल करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे और अपनी जो मैगी है झकास वाली कप्पा मैगी वो तैयार करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा पानी जो है अच्छी तरह से उबल रहा है मैगी के लिए। सो ये पानी उबल जाए तब हम अपनी मैगी बनाएंगे। पानी भी उबल चुका है, अब इसमें हम डालते हैं, और जितना हमें बोला गया हम उतना ही पानी डालेंगे। हाँ, इतना ही बोला गया है। सो डाल दिया है मैंने पानी, अब थोड़ा सा इसे ना मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा ये डूब जाए हमारा मैगी। सो देख सकते हो कितना मैंने पानी डाला है, इतना ही इसमें पानी डालने को बोला गया भाई, मैंने जितना बोला उतना ही डाल रही हूँ, कहीं आपको क्या पता इसका सूपी नूडल ज़्यादा ना बन जाए। सो ये हमने इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा डुबा देते हैं, और अब इसका जो ऊपर का था ना, मैंने इसको फेंका नहीं है, इसी से ढक के रख दूंगी।
आप चाहे तो कोई कटोरा या कुछ ले सकते हो, पर जब चीज़ दे रखी है इसके साथ तो इजी को ढकते हैं और मैजिक देखते हैं अपनी मैगी मसाला का, कप्पा मैगी मसाला का। ठीक है, सो लेट्स सी। सो दोस्तों, जब तक हमारी मैगी तैयार हो रही है, मैंने सोचा गप्पे मार लेते, थोड़े से बातचीत कर लेते हैं आप लोगों से। सो अभी तो फिलहाल लखनऊ में बहुत गर्मी है, मतलब इसलिए मैं थोड़ा बाहर भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि गर्मी से तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैं ब्लॉग्स कैसे लाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट निकाला आप लोगों को फूड रिव्यू देने का, फूड प्रोडक्ट रिव्यू देने का। सो आज मैंने कप्पा मैगी चूज़ किया और इसी तरह से जैसे मैंने बोला आगे भी मैं करूँगी। और अगर आपने कप्पा मैगी और 2 मिनट्स वाली जो मैगी होती है ना हमारी नॉर्मल, उन दोनों को मतलब ट्राई किया है, ऑफकोर्स किया होगा, मैगी जो नॉर्मल वाली और कप्पा मैगी को ट्राई किया, तो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं कितना खाती हूँ, मैं मतलब खाती रहती हूँ। या तो मैं फूड ब्लॉगर खाऊंगी ही ना, तो और वैसे जितना दिखता ना उतना कभी कोई फूड ब्लॉगर आई डोंट थिंक खाता होगा, वो ऑफकोर्स टेस्ट करने के लिए खाता है कि जस्ट टू नो द टेस्ट ऑफ इट। सो इस वजह से हम लोग खाते हैं और खाना अच्छा लगता है यार, और मुझे बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, खाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो दोनों इज़ लाइक मेरे फेवरेट चीज़ है। सो प्लीज़ यार प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो, अलग अलग जगह जाके मैं एक्सप्लोर करती हूँ, फूड आप लोगों को दिखाती हूँ, तो प्लीज़ मतलब प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए 4 मिनट होने ही वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैगी, कप्पा मैगी। सो दोस्तों, मैजिक के लिए तैयार हो आप लोग, मैजिक होने वाला है। इसको हम लोग पहले खोलते, मैंने पहले ही चम्मच पकड़ लिया। सो दिस इज अवर मैगी, कप्पा मैगी। अभी भी इसमें पानी है, यानी कि मतलब जो सूप बनाया था हमने इसका पानी डाल के, बॉइलिंग वाटर। सो ये है हमारी अभी मैगी तैयार हो रखी है 4 मिनट के बाद। सो अभी भी इसमें है पानी, और उबलेगी क्या पता नहीं यार। पानी तो मैंने उतना ही डाला है जितना इसमें बोला गया था, तो उतना ही डाला है, तब भी काफ़ी। इसमें देख सकते हैं सूप है ये नीचे, और इसका ना मैगी का जो नूडल्स का मतलब शेप है वो काफ़ी डिफरेंट है, जो हमारी नॉर्मल वाली रहती है ना, इसका शेप मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा। एंड इसमें थोड़ा सा मुझे ना मटर दिखा और गाजर दिखा, नीचे चला गया सब। सो ये है हमारी 4 मिनट के बाद ये मैगी हमारी निकल कर आई है जी, देख लो काफ़ी सूपी सूपी सी है। सो लेट्स सी अब टेस्ट में कैसी होती है। ये हमारी जो कप्पा मैगी है, इन 4 मिनट्स हो गई है बनके तैयार, और आप देख रहे होगे इसका शेप काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन ये अलग अलग है, चिपकी हुई नहीं है। और जितना भी इसमें मतलब हमने बॉइल्ड वाटर डाला था, अब वो थोड़ा सा बचा है नीचे, पता नहीं आप लोगों को कैसे दिखाऊँ, लेकिन नीचे है। एंड अब लेट्स सी कि टेस्ट में कैसा होता है। खुशबू तो मैगी वाली की नहीं लग रही, पता नहीं क्यों, जो मैगी के मसाले की खुशबू होती है ना, हाय मतलब दूर से ही आ जाती है, तो इसकी खुशबू वैसी तो नहीं है यार। सो लेट्स सी टेस्ट में कैसा है। नहीं आ रही, ओके बोलते बोलते 3-4 बाइट ले गई इसकी। सो इसका जो टेस्ट है, गर्मी बहुत है, गरम गरम मैगी खा रही हूँ, इसका टेस्ट एक्चुअल में जैसे मैं मैगी मतलब बनाती हूँ, जो 12 रुपए का पैकेट आता है नॉर्मल वाला, उसके टेस्ट के जैसे बिल्कुल नहीं लगा मुझे ये। मतलब उसमें एक तो हम लोग अकॉर्डिंग टू मतलब थोड़ा पानी अपने अकॉर्डिंग डालते हैं, तो थोड़ा सा वो ना शेप और क्या कहते हैं उसको, जो पकना होता है ना वो हमारे हाथ में होता है। इसमें ये ना पूरा ओवर जैसे नहीं लग रहा, ओवर बॉइल्ड होना, ओवर हो जाना, वैसे ही मुझे लग रहा है ये। एंड इसका टेस्ट मुझे एग्जैक्टली वैसा मैगी वाला तो नहीं लगा। हाँ, ये जो मैगी है मुझे ऐसा लगता है ये सेवियर मैगी, मैं इसको बोलूँगी कि भूख के टाइम पे जैसे कभी आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा हो, तो उस टाइम पे अगर आपके पास कप्पा मैगी है सो तब के लिए वर्थ इट है। अदरवाइज इसका टेस्ट यार नॉट मैचिंग टू हमारी जो 2 मिनट्स वाली मैगी होती है। मैं खाती भी जा रही हूँ और बोल रही हूँ कि इसका टेस्ट भी नहीं अच्छा है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ भाई इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इट्स मैंने जैसे बोला कि ये सेवियर मैगी है, सो इट्स क्वाइट गुड, बट इन कंपैरिजन टू जो हम मैगी खाते हैं उसके कंपेयर में मुझे थोड़ा कम लगी। और ये ना मसाला बोल रहे हैं मसाला मैगी, लेकिन इसके मसाले का टेस्ट भी जो है वो इन्हांस होके नहीं आया है। एक मिनट, हाँ इसके नीचे कुछ है इसमें, ओ तेरी, इसका ना जो मसाला है, एक मिनट ना, जो मसाला है इसके नीचे है, मतलब यू हैव टू मिक्स दिस मैगी मतलब वेरी वेल। ओके, सो इसका जो मसाला है वो नीचे है, अब थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं, ये थोड़ा लाल हो गया यार,
थोड़ा सा इसका मैगी का जो मसाला है नीचे मिक्स करते हैं, नाउ टेस्ट करते हैं अब। नाउ इट्स क्वाइट गुड। अब इसका जो मसाला ना मुझे पता ही नहीं था किसके नीचे होगा, अभी मैं देखा ये डार्क डार्क सा क्या है पता ही नहीं चला, अब मिक्स किया तो अब लग रहा है ये मसाला मैगी है। अच्छा है यार, मतलब असली माल तो नीचे था, लर्न हो गया मेरा। सो इट्स क्वाइट गुड। और सबसे अच्छी बात है इसमें वेजिटेबल्स भी है, सो ये प्लस पॉइंट है कि इसमें वेजिटेबल्स डाली गई है। आप नॉर्मल जो मैगी खा लोगे ना उसमें नहीं डालता क्या बोलते हैं मटर और गाजर, लेकिन हाँ इसमें इसलिए डाला है क्योंकि ये जो आप कप्पा मैगी देख रहे हो ये 50 रुपए का है। सो 50 रुपीज का ये कप आता है। सो ये है कि आप इस कप को यूज भी कर सकते हैं। मैगी ऐसी चीज़ है कि लाइक मेरी बहुत सारी मेमोरीज ऐसे कि जैसे कि भूख लग रही हो तो मैगी बना लो, इसके साथ इतने फ्यूजन्स आप कर सकते हो, फिर दोस्तों के साथ मैगी खाने का अलग ही मजा होता है। सो आपके पास ऐसी कोई मेमोरीज हो तो मुझे ज़रूर ज़रूर शेयर करना, मैं आने वाले टाइम पर जब भी हम ऐसे गप्पे वाला ब्लॉग बनाएंगे ना तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रही बात इस मैगी की, सो अगर मुझे इसका टेस्ट और इसकी स्मेल और क्या बोलते हैं प्राइस सबको कंपेयर करना हो सो आउट ऑफ 10 मैं ऐसे 7.5 रेटिंग दूंगी इस कप्पा मैगी को। और भी सारे ब्रांड्स आते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि इन नियर फ्यूचर मैं 3-4 ब्रांड लूंगी और उसको कंपेयर करूंगी कि सारे जो कप्पा मैगी हैं और कप्पा नूडल्स हैं सॉरी उनको कंपेयर करके ब्लॉग बनाऊंगी, तो बताना ही कॉन्सेप्ट कैसा है। ऐसे वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं बट आई विल ऑल्सो ट्राई। और तो ये है हमारी कप्पा मैगी, तो चलिए इसी कप्पा मैगी के साथ लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा से खचक से दबा दीजिएगा और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।